हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारत की पहली और सबसे लंबी अंडर वाटर हाईवे टनल के बारे में, जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे किया जाएगा। और यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अंडर वाटर हाईवे टनल होगा। और इस अंडर वाटर हाईवे टनल का निर्माण असम राज्य में किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में हमारे देश में जोजिला टनल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि हमारे देश का सबसे लंबा निर्माणाधीन हाईवे टनल है, जिसकी लंबाई 14.15 किलोमीटर है। जोजिला टनल का निर्माण लद्दाख यूनियन टेरिटरी में किया जा रहा है, लेकिन अब बहुत ही जल्द इससे भी लंबे टनल का निर्माण नॉर्थ ईस्ट के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे किया जाएगा। यह टनल स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे देश के लिए काफी उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इस टनल के निर्माण के बाद असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और भारत के दूसरे क्षेत्रों से अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा तक जाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले वर्ष 2014 में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे अंडर वाटर हाईवे टनल के निर्माण को प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद NHIDCL द्वारा इसका DPR तैयार किया गया और 2019 में यह सुनिश्चित किया गया कि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे ट्विन टनल का निर्माण किया जाएगा, जिसका निर्माण असम राज्य के गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच किया जाएगा। इसके बाद इस परियोजना के निर्माण को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भी अप्रूव्ड किया गया और 2020 में केंद्र सरकार द्वारा भी इस परियोजना के निर्माण को हरी झंडी मिल चुकी है। लेकिन इसके बाद आए कोरोना महामारी के कारण इस परियोजना का निर्माण कार्य समय पे शुरू नहीं हो पाया, परंतु अब बहुत ही जल्द इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। तो अब इस परियोजना के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि प्रस्तावित ब्रह्मपुत्र रिवर अंडर वाटर हाईवे टनल की लंबाई लगभग 15.6 किलोमीटर है। इस प्रकार यह हमारे देश का सबसे लंबा हाईवे टनल भी हो जाएगा। आपको बता दें कि यह परियोजना नॉर्थ ईस्ट में बनने वाले बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में रेलवे, हाईवे, टनल्स और ब्रिजेस पर काफी तेजी से काम किया जा रहा है, जो सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र दशकों तक हमारे देश के दूसरे हिस्सों से कटे हुए थे, उनको जोड़ने का काम काफी जोर शोर से चल रहा है। और इसी क्रम में ब्रह्मपुत्र रिवर अंडर वाटर हाईवे टनल भी एक अगली कड़ी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस टनल का निर्माण असम राज्य के गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच किया जाएगा और यह टनल नेशनल हाईवे नंबर 15 और नेशनल हाईवे नंबर 715 को आपस में जोड़ देगा। इस टनल के निर्माण के कारण पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। इस टनल के अंदर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहनों को काफी आराम से चलाया जा सकेगा और यह सामरिक दृष्टिकोण से भी हमारे देश के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। इस टनल के निर्माण के बाद चीन की सीमा तक मिलिट्री ट्रूप्स, टैंक्स और इक्विपमेंट्स के मूवमेंट काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। और क्योंकि यह अंडर वाटर टनल है, तो टनल का उपयोग करके मिलिट्री ट्रूप्स, टैंक्स को भेजना काफी सुरक्षित माना जाता है, बजाय किसी ब्रिज के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन की तुलना में किसी आपातकालीन परिस्थिति के दौरान। इस टनल के अंदर बेसिक सिक्योरिटी और इमरजेंसी फीचर्स इंस्टॉल रहेंगे, जैसे कि CCTV कैमरा, स्ट्रीट लाइट्स, ड्रेनेज सिस्टम, सेंसर्स, क्रैश बैरियर, डिजिटल साइनेज, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण फीचर्स का निर्माण इस टनल के अंदर किया जाएगा। और इस टनल की सबसे खास बात यह है कि यह परियोजना एक 4-लेन ऑल वेदर हाईवे टनल होगा, यानी कि किसी भी मौसम में यातायात सुचारू रहेगा। इस परियोजना के अंतर्गत ट्विन टनल का निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक टनल में 2-लेन का हाईवे होगा। एक टनल वाहनों के जाने के लिए और एक टनल वाहनों के आने के लिए होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर यातायात के लिए 4-लेन का हाईवे होगा। इस ट्विन टनल का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के रिवर बेड के 22 मीटर नीचे किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत टनल के अलावा अप्रोच रोड का भी निर्माण किया जाएगा, यानी कि अप्रोच रोड और टनल को मिलाकर पूरे परियोजना की लंबाई 33 किलोमीटर हो जाएगी।
जिसमें टनल का पोर्शन लगभग 15.6 किलोमीटर लंबा होगा और अप्रोच रोड की लंबाई लगभग 18 किलोमीटर होगी, जो कि इस टनल के नॉर्थ इंड और साउथ इंड दोनों छोरों पर बनाया जाएगा। पूरे परियोजना के निर्माण में लगभग 12,807 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगर इस परियोजना के कारण होने वाले फायदों की बात की जाए तो आपको बता दें कि वर्तमान समय में नुमालीगढ़ से गोहपुर के बीच की दूरी को लगभग 6 घंटे में पूरा किया जाता है और वर्तमान समय में बाय रोड इन दोनों शहरों के बीच की दूरी लगभग 223 किलोमीटर है, परंतु अंडर वाटर हाईवे टनल के निर्माण के बाद इन दोनों शहरों के बीच की दूरी मात्र 35 किलोमीटर के आसपास रह जाएगी और इनके बीच की यात्रा को केवल 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा, यानी कि परियोजना के निर्माण के बाद 5.5 घंटे का समय बचेगा। इस परियोजना का निर्माण मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा किया जाएगा, जिसको कि नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHIDCL द्वारा बनाया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत आता है। ब्रह्मपुत्र रिवर अंडर वाटर हाईवे टनल के निर्माण के कारण असम राज्य के अलावा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड इत्यादि राज्यों से भी अरुणाचल प्रदेश के बीच यात्रा करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बनाया जाने वाला दोनों ट्विन टनल आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होगा और किसी प्रकार की दुर्घटना या आपातकालीन परिस्थिति के दौरान इमरजेंसी इवैक्यूएशन संभव हो पाएगा। टनल के अंदर वाटर लीकेज की समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए भी सभी प्रकार के जरूरी मेजर्स को ध्यान में रखा जाएगा। अगर इस टनल की कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो इस टनल के अंदर टेलीफोन बूथ को भी इंस्टॉल किया जाएगा। इस ट्विन टनल के प्रत्येक ट्यूब का डायामीटर 11.5 मीटर होगा। प्रत्येक ट्यूब के अंदर बनाए जाने वाले हाईवे की चौड़ाई 9.5 मीटर होगी, जिसके अंतर्गत एक ट्यूब में 7 मीटर चौड़ा मेन कैरेज वे बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक लेन की चौड़ाई 3.5 मीटर होगी। इस प्रकार दोनों ट्यूब्स में बनाए जाने वाले कैरेज वे की चौड़ाई 14 मीटर हो जाएगी, जिसके अंतर्गत 4 लेन का हाईवे बनाया जाएगा। इस टनल के प्रत्येक ट्यूब में 2.5 मीटर चौड़ा शोल्डर्स का भी निर्माण किया जाएगा। टनल के अंदर वाहनों को कुछ देर तक रुकने के लिए जगह जगह पर ले बाइक की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि दोनों ट्विन टनल्स एक दूसरे से लगभग 10 मीटर की दूरी पर बनाए जाएंगे और यह परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में विकास का एक नया द्वार खोलेगा। कनेक्टिविटी बेहतर होगी और समय एवं ईंधन की बचत होगी। इसके साथ ही हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पाएगी। फिलहाल यह परियोजना कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, इसको ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि यह परियोजना 2028 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके हमारे देश में बनने वाले टनल परियोजनाओं के बारे में अवश्य जानें। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।